क्या ये भी अंधविश्वास है? 1962 के युद्ध में चीन के 300 सैनिकों को ढेर करने वाले जसवंत सिंह रावत को मृत्यु के बाद भी मिलता रहा प्रमोशन। आज भी सैनिक रोज बिस्तर लगाते हैं। सुबह के करीब 5 बजे चीनी सैनिकों ने सेला टॉप के नजदीक धावा बोला, जहां मौके पर तैनात गढ़वाल राइफल्स की डेल्टा कंपनी ने उनका सामना किया। जसवंत सिंह रावत इसी कंपनी का हिस्सा थे। 17 नवंबर 1962 को शुरू हुई यह लड़ाई अगले 72 घंटों तक लगातार जारी रही। चीनी सेना हावी होती जा रही थी, इसलिए भारतीय सेना ने गढ़वाल यूनिट की 4th बटालियन को वापस बुला लिया। लेकिन इसमें शामिल जसवंत सिंह, लांस नायक त्रिलोकी सिंह नेगी और गोपाल गुसाई नहीं लौटे। ये तीनों सैनिक एक बंकर से गोलीबारी कर रही चीनी मशीनगन को छुड़ाना चाहते थे। 3 दिनों 300 सैनिकों को किया ढेर। तीनों जवान चट्टानों और झाड़ियों में छिपकर भारी गोलीबारी से बचते हुए चीनी सेना के बंकर के करीब जा पहुंचे और महज 15 यार्ड की दूरी से हैंड ग्रेनेड फेंकते हुए दुश्मन सेना के कई सैनिकों को मारकर मशीनगन छीन लाए। इससे पूरी लड़ाई की दिशा ही बदल गई और चीन का अरुणाचल प्रदेश को जीतने का सपना पूरा नहीं हो सका। हालांकि इस गोलीबारी में त्रिलोकी और गोपाल मारे गए। वहीं जसवंत को दुश्मन सेना ने घेर लिया और उनका सिर काट कर ले गए। इसके बाद 20 नवंबर 1962 को चीन ने युद्ध विराम की घोषणा कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक इन 3 दिनों में 300 चीनी सैनिक मारे गए थे, जिससे अरुणाचल प्रदेश को उनके कब्जे में जाने से बचाया जा सके। जसवंत सिंह रावत को मृत्यु के बाद भी मिलता रहा प्रमोशन। राइफलमैन रावत को 1962 के युद्ध के दौरान उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया था। जसवंत सिंह रावत भारतीय सेना के अकेले सैनिक हैं, जिन्हें मौत के बाद प्रमोशन मिला था। पहले नायक, फिर कैप्टन और उसके बाद मेजर जनरल बने। उस जगह को आज जसवंतगढ़ कहते हैं। उनका स्मारक बना है, रोज बिस्तर लगाया जाता है। इस दौरान उनके घर वालों को पूरी सैलरी भी पहुंचाई गई। अरुणाचल के लोग उन्हें आज भी शहीद नहीं मानते हैं। माना जाता है कि वह आज भी सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। शहीद जसवंत सिंह रावत की शौर्य गाथा पर बनी फिल्म 72 आवर्स मार्टायर हू नेवर डाइड।